ओए भाई, ओए भाई, ओए क्या कर रहा है तू? उसको गाड़ी चलाने नहीं आती है और गाड़ी लेके घूमा होता है तो पर्चा बनाते हैं ना ये पुलिस वाले, वैसे हमारा पर्चा बनाते हैं यहाँ पे। ये वाला एकदम मेरे को बहुत ही ज्यादा सेक्सी दिखता है यार, बचा देगा यार कैसे। ओके सो गाइस, तो कैसे आप लोग? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज हमारी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे किचन से। तो गाइस काफी लोग हमें बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कमेंट कर रहे थे, गाइस हम उनका जवाब तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। एंड इसी के साथ में गाइस आप लोगों को तो पता है यार, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हूँ डेली ब्लॉग लाने के लिए। एंड गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वीडियो रेंडर होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड जब तक गाइस ये वाली वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो गाइस ये वाली वीडियो आ चुकी होगी। तो गाइस इस वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार खाया होगा। लुक एट द फ्लावर गाइस, यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे कितने ही ज्यादा प्यारा रोज है। तो गाइस दिस इज अ कुल्लू एंड यहाँ पे शाम को चेक करना यार, दिन को तो वैसे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं होती उतनी ज्यादा, यहाँ चेक करो यार शाम को तो अलग ही लेवल की लड़कियाँ। बाय। और सामने से पुलिस वाला भी आ रहा था भाई, और मैं ओवरटेक तो ऐसे कर रहा था भाई। यहाँ पे क्राउड चेक करो यार शाम के टाइम पे, ऑलमोस्ट क्रेजी भाई, इवनिंग वॉक कर रहे लोग यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से निकलते हैं भाई जल्दी जल्दी से, बिकॉज हमें यहाँ पे पब्लिक एरिया में रहना अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस यहाँ पे कुछ भी सीन होना एकदम से पुलिस वाले पकड़ लेंगे और बोलेंगे भाई लग गया तुम्हारा पर्चा। तो गाइस एक धाम वाले बाबा है ना, तो पर्चा बनाते हैं ना ये पुलिस वाले, वैसे हमारा पर्चा बनाते हैं यहाँ पे। तो शाम को कुछ अलग ही लेवल का कुल्लू दिखता है यार। गाइस लड़कियाँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्रेजी दिख रही है। कल से भर गाइस हम शाम की राइडिंग करना स्टार्ट करेंगे अब से भर। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे पीरीडी के बिल्कुल अपोजिट में। एंड गाइस यहाँ से हमारे मॉल की तरफ का रास्ता है, बट हम जाएंगे बुनते रोके। तो गाइस इस समय बज रहे हैं 6 शाम के। काफ़ी लोगों ने कहा था कि शाम की राइड भी दिखाओ संजय भाई, इस समय लोगों के यहाँ पे दुकान वगैरह बंद हो रहे हैं। और वो लड़की आई डोंट नो यार काते काते बोल रही थी कुछ। तो गाइस आप लोगों को देखो यार यहाँ पे कितना ज़्यादा प्यारा सा नज़ारा देखने को मिल रहा है, यहाँ पे शाम की राइड कुछ ऐसी होती है। तो अभी हम गाइस आगे जाके बैठेंगे, बिकॉज हम आए हैं यहाँ पे थोड़ा सा इंजॉय करने, रिलैक्स करने, बिकॉज हर दिन की थकान के बाद। वैसे मैं काम करने जाता नहीं हूँ, मतलब काम इन द सेंस कि जॉब करने जाता नहीं हूँ। तो तुम्हारा भाई भी बेरोजगार है। तो गाइस हम कुछ ऐसे इलाकों में बैठेंगे बिल्कुल नीचे नीचे। तो हमारे साथ है इस समय राजेंद्र जोई, जो हमारे साथ पिछली वीडियो में भी आए थे राइड करने। तो गाइस आप लोग बोलते हो यार रैश राइडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? राइडिंग से तो नहीं करना चाहिए, और कोई भी हमें देख के अगर रैश राइडिंग कर रहा है ना भाई, मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ भाई, वो अपनी मन मर्जी से कर रहा है, ठीक है। मेरे को देख के बिल्कुल भी रैश राइडिंग मत किया करो। ये वाला एकदम मेरे को बहुत ही ज़्यादा सेक्सी दिखता है यार, बचा देगा यार कैसे, ना हॉर्न दे रहा है ना कुछ दे रहा है, इंडिकेटर दे रहा है, एटलीस्ट हॉर्न तो देना ही चाहिए यार। बहुत ही ज्यादा मजेदार है, अगर वो ना एकदम से ब्रेक मारेगा ना भाई ग्रंटी 100% वैसे कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि इसकी ब्रेक इतनी है ना, और अगर कंट्रोल भी करना चाहे तो भाई साहब हम डायरेक्ट ही बच जाएंगे। तो भाई साहब हम यहाँ से आगे को एक यू टर्न लेंगे, यही मज़ेदार वाली वाइब है यार। यहाँ से देखो यार डायरेक्ट कितना ज़्यादा सीधा सीधा दिखता है। अरे यार यहाँ पे यू टर्न था यार, अब पीछे मैं मार नहीं सकता हूँ ब्रेक, चलो आगे चलते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे साइन भी नहीं लगाया हुआ है कि यू टर्न का, बिकॉज अगर हम यू टर्न एकदम से मार देंगे ना भाई पीछे से कोई बंदा ठोक भी सकता है। तो गाइस यहाँ पे चेक कर सकते हो हम यहाँ से वापस जा रहे हैं, बिकॉज हमें थोड़ा सा रिलैक्स करना है आगे बैठ के। यहाँ से भाई नगर है 33 किलोमीटर ऑलमोस्ट। गलत ही मोड़ा भाई ड्यूक वाला, भाई पावर ही नहीं बची यार भाई, सच्ची हो रहा हूँ। इसकी लास्ट मैक्सिमम स्पीड यार 86 88। ओए बदमाश की बात नहीं है ना बर्बादी। मैंने इसको पूरा खींचा ना 90 वहां के सर। तो यहाँ तो बीरे बीरे फेंकी है बंदों ने, एक क्या घटिया बंदे।
तो भाई जैसे काम बिल्कुल भी मत करो यार, यहाँ पे खाने पीने बैठे हो तो मतलब कि बियर फेंकोगे। तो गाइस ये हमारा पूरे का पूरा एरिया है, बुट्टी कॉलोनी एरिया। एंड गाइस उधर हम नहाया करते थे और नीचे झूला जा रहा होगा आप लोगों को, आई डोंट नो विजिबिलाइज होगा कि नहीं होगा, चेक करो यार। परे है मंदिर। एंड गाइस ये है वो एरिया जहाँ पे हम बचपन में नहाया करते थे। तो चलो गाइस, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं बर्माची के साथ। क्या बात है भाई, एंड इसी के साथ में गाइस अभी हम निकल रहे हैं वापस अपने घर की तरफ। भाई आगे बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े ट्रक चले हुए हैं ना, तो स्पीड भी कम करनी पड़ रही है हमें इस समय। आगे जैसे होके बैठे ठीक है। मैं तो भाई इस पीछे से गाड़ी वाला यहाँ पे पास लेने वाला है, तो चले जा भाई। अपने यहीं का बंदा यार, चलो अच्छी बात है, का नज़ारा ही कुछ अल्टीमेट सा है। एंड गाइस से ये बंदा जो मेरे साथ आया है ना अभी, गाइस से अपने काम छोड़ के आया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे चेक करो यार, ऑलमोस्ट पूरी ब्रेक दबाई हुई है मैंने। फ्रंट ब्रेक यार पूरी। एंड गाइस ये नज़ारा चेक करो यार, कितना ही ज़्यादा प्यारा है। एंड चेक करो यार शाम को भाई, यहाँ पे ठंडा है कसम भाई जी। साइड अंकल तो रुक ही गया आगे। तो गाइस वापस पहुंच चुके हम अपने प्यारे से इस मोड़ पे। ओ भाई साहब बंदा फुर गया, ऐसे ही हम जाते थे पहले, बट अब हम ज़्यादा हाइपर राइड नहीं करते, बट कैमरे के साथ बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज वीडियो में देखेंगे ना वो छोटे छोटे बच्चे यार, वो इन्फ्लुएंस होके यार कंट्रोलिंग होगी नहीं तो सीधा सीन हो जाएगा भाई। इसमें तो ऐसा है नहीं कि भाई आराम से चलेगा, वीडियो देख के जोश आता है ना छोटे छोटे बच्चों को, तो कंट्रोलिंग नहीं होगी ना भाई, इसमें हाथ पाँव सीधे टूट जाते हैं सब करके। चलो गाइस तो यहाँ पे अभी घर की तरफ निकलते हैं, और GoPro की बैटरी भी ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म होने वाली है, आई डोंट नो यार। ओए भाई ओए क्या कर रहा है तू? तो गाइस ये अपना दोस्त आया टेंगो भाई, नूनो की तरह काटता है, इसको गाड़ी चलाने नहीं आती है और गाड़ी लेके घूमा होता है भाई। भाई अपना दोस्त से ठुक जाता फिर बोलता क्या बोलो मैं अब। चलो जितने भाई लोग देख रहे हो तो जल्दी जाके लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। देखो शाम को भाई कुछ इस तरह की हरकतें होती है, सबको जल्दी लगी होती है अपने अपने घर को जाने के लिए।